इरादे रोज़ बनते हैं मगर टूट जाते हैं, अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज का मज़ार अजमेर में है। यहाँ पर सभी मज़हब के लोग जियारत के लिए आते हैं और खाली हाथ आते हैं और अकीदत के फूल चढ़ाकर मुरादों की झोली भर कर जाते हैं। यहाँ साल के 365 दिन लोगों की भीड़ लगी रहती है, दिन हो या रात हो, जियारत करने वाले लोग 2400 घंटे दरगाह के आसपास मौजूद रहते हैं। यहाँ लंगर और कव्वाली होती रहती है। यहाँ आने के लिए आप दिल से इरादा करेंगे तो ही अजमेर शरीफ पहुँचेंगे। बिना गरीब नवाज के बुलावे के आप नहीं जा सकते। गरीब नवाज के चाहने वाले करोड़ों हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इरादे रोज़ बनते हैं मगर टूट जाते हैं। अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज बुलाते हैं। आइए हम आपको ख्वाजा गरीब नवाज के खादिम सैयद फैजुल हसन चिश्ती से मिलवाते हैं। ख्वाजा साहब, दरगाह शरीफ अजमेर, कौमी एकता की नगरी अजमेर में आप सबका स्वागत करता हूं और दुआ करता हूं विश्व में और देश में शांति बने रहे। आगे आने वाला त्यौहार जो हमारे हिंदू भाइयों का है, मैं उसकी कामयाबी के लिए भी दुआ करता हूं और हमारे देश में अमन शांति बनी रहे। ख्वाजा साहब के दरगाह के अंदर हर जाति, हर धर्म, हर फिरके के लोग आते हैं। सुबह से शाम यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियों के लोग यहाँ आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 36 कौम के लोग यहाँ आते हैं और सभी मांगते हैं, सबको सब कुछ ना कुछ मिलता है। तो जो लोग यहाँ नहीं आ सके वो भी यहाँ आएँ और गरीब नवाज के दरबार से कुछ लेके जाएँ। और हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में अमन शांति के लिए यहाँ हमेशा दुआ होती है और हम भी दुआ करते हैं। आने वाला जो इलेक्शन है, तो हमारे प्रदेश के पाँच जगह, देश के पाँच जगह, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम में कामयाबी के साथ इलेक्शन हो और सेकुलर पार्टी कामयाब हो। जो आज देश के हालात बने हुए हैं, इस हालत में गरीब नवाज कर्म करें, हमारे मुल्क में अमन और शांति बने रहे। मैं आपके इस कैमरे के माध्यम से सबसे अपील करना चाहता हूं कि सब हमारे मुल्क, ये मुल्क सबका है, हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिख का, ईसाइयों का, 36 कौमों का है, यह अमन शांति से रहें और गरीब नवाज के बताए हुए रास्ते पर चलकर देश में एकता और मोहब्बत, अखलाक बनाए रखें। आमीन सुम्मा आमीन। फिर मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि जो लोग यहाँ नहीं आए वो आएँ, दरबार में ज़ियारत करें और अपने घर में अमन शांति, अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने गांव में, अपने गाड़ी में ख्वाजा साहब का पैगाम चलाकर देश में एकता अखंडता बनाए रखें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।